हेलो फ्रेंड्स, सोना स्केटिटी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज आपके साथ शेयर करेंगे हम ये टूरन पट्टी में, देखिए आउटलाइनिंग करना किस तरीके से, इसकी आउटलाइनिंग करेंगे। और ये टूरन पट्टी डिज़ाइन आपके साथ हम शेयर कर चुके हैं पहले भी, ये देखिए। इसमें अब हम दिखाएंगे कि किस तरीके से इसकी हम आउटलाइनिंग करेंगे। तो देखेंगे किस साइड हमारा सीधा है और किस साइड उल्टा है, तब हम इसकी आउटलाइनिंग करेंगे। ये देखिए, ये हमारा सीधा साइड है जहाँ फ्लावर्स उभरे हुए हैं, सीधा है, और उस साइड हमारा उल्टा है। तो देखिए यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, वाइट कलर से हम आउटलाइनिंग करेंगे। देखिए क्योंकि सब डार्क कलर लगे हुए हैं मेरे पास, तो ये देखिए ऐसे इसमें डालेंगे और इस थ्रेड को इसमें से ऐसे निकाल लेंगे और इसको ऐसे टर्न करके ऐसे इसमें गांठ लगा लेंगे। देखिएगा यहाँ पे ऐसे एक, ये देखिए दो और तीन, तीन चेन बना लेंगे। और यहाँ पे देखिए हम एक डबल क्रोशिया, दो, तीन और एक चेन को लेके चार, चार या पांच जितना आप डबल क्रोचेट करना चाहें उतनी बार हम इसको बना सकते हैं। और ये देखिए एक ये वाला हम गैप करेंगे और इस वाले मिला के यहाँ पे इसको हम देखिए चार है, एक और बना लेते हैं पांच, इस तरीके से बना लेंगे। और देखिए एक गैप करके चेन वाला, फिर नेक्स्ट यहाँ में इसको स्लिप चेन से ऐसे ज्वाइंट करेंगे। ये देखिए इस तरीके से स्लिप चेन से ज्वाइंट करेंगे, फिर यहाँ पे एक दो तीन चेन लेंगे और फिर इसको ऐसे ही एक चेन को लेके, ये दो हो गया डबल क्रोशिया, तीन, चार और ये पांच, पांच बार बना लेंगे। और फिर इसको एक को स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाले में डाल के यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसको स्लिप चेन से ज्वाइन कर देंगे इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से, फिर यहाँ देखिए यहाँ पे हम फिर एक दो तीन चेन लेंगे और फिर इसमें से डाल के चार बार डबल क्रोशिया बना लेंगे चेन को लेके पांच बार। तो एक दो तीन और ये चार और एक चेन को लेके पांच, तो पांच डबल क्रोशिया बना लिया हमने। फिर एक चेन को स्किप करते हुए फिर नेक्स्ट वाले में डाल के यहाँ पे स्लिप चेन से इसको ज्वाइन करेंगे और फिर यहाँ पे एक दो तीन चेन बनाएंगे और फिर यहाँ पे हम चार डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन और ये चार, देखिए चार डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर एक स्किप करके नेक्स्ट वाले में यहाँ पे डाल के इसको स्लिप चेन से ज्वाइन करेंगे और फिर एक दो तीन, तीन चेन बना लेंगे और फिर सेम ऐसे ही बनाते हुए चले जाएंगे। तो देखिए कितना इजी, कितना सिंपल है ये, इसी तरीके से पूरा बनाएंगे हम, पूरी आउटलाइनिंग करनी है इसकी। तो देखिए हम इसको यहाँ तक कंप्लीट करके पूरा हम आके आपको कॉर्नर पे बताते हैं कैसे क्या करना है। ये देखिए हमने इतना आउटलाइनिंग कर दिया पूरा, ये देखिए यहाँ तक, ये देखिए इतनी पूरी आउटलाइनिंग हमने इस फर्स्ट रो में देखिए हाफ कर दिया है। अब लास्ट यहाँ कॉर्नर पे देखिए किस तरीके से इसको टर्न करेंगे। फिर देखिए इतना हमने बना लिया है पांच, उसके बाद यहाँ पे इसको स्लिप चेन से ऐसे ज्वाइंट करेंगे। ये देखिए इस तरीके से एक दो तीन चेन बना लेंगे और फिर चार डबल क्रोशिया यहाँ बनाएंगे, एक दो तीन और ये चार, चार डबल क्रोशिया बना लेंगे और एक इसको लेके पांच। तो देखिए यहाँ पे हम इस तरीके से आ गया, तो यहाँ पे एक दो तीन स्किप करेंगे और यहाँ पे तीन के बाद इसमें डाल के यहाँ पे हम इसको ऐसे स्लिप नॉट से ज्वाइंट करेंगे इस तरीके से। देखिए फिर यहाँ पे एक दो तीन चेन लेंगे और यहाँ भी देखिए ऐसे बना लेंगे, एक दो तीन चार और एक चेन को लेके पांच। तो देखिएगा यहाँ पे फिर यहाँ पे हम तीन चेन छोड़ के बना लेंगे, तो एक दो तीन चेन छोड़ के यहाँ पे बना लेंगे स्लिप नॉट से, यहाँ पे इसको ज्वाइंट कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से, इस तरीके से यहाँ ज्वाइंट करेंगे। फिर यहाँ पे बना लेंगे
इसी तरीके से ये पूरी रो कंप्लीट करेंगे, यहाँ तक कंप्लीट करेंगे इसको। और फिर जैसे हमने इस साइड बनाया था ये सेम वैसे प्रोसेस यहाँ करना है, इसी तरीके से बनाएंगे इसको। तो इसको हम लास्ट आकर के वहाँ पे दिखाते हैं। ये देखिए हमने यहाँ तक टोरन पट्टी कंप्लीट कर ली, उसकी आउटलाइनिंग देखिए यहाँ तक हमने पूरी टोटल हमारी कंप्लीट हो गई। देखिए कितना प्यारा है लुक इसका आउटलाइनिंग होने के बाद। अब देखिएगा यहाँ पे क्या करना है, फिर यहाँ पे अब हम इसको जॉइंट करेंगे। यहाँ पे देखिएगा 2 3 4 और ये 5 5 बनाने के बाद अब टर्न हो जाना है, कॉर्नर पे आ गया है, देखिए कॉर्नर पे है। अब इसको हम यहाँ पे लाके यहाँ जॉइंट करेंगे ऐसे, ये देखिए। अब यहाँ पे फिर 3 चेन लेंगे और इसी जगह पे बना लेंगे 4 डबल क्रोशिया, 1 2 3 और ये 4 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। और देखिएगा यहाँ पे आपको जितना हो उतना आप रखिए, 3 या 4, हमने 4 4 रखा है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसको स्लिप चेन से ऐसे जॉइंट करेंगे इस तरीके से, देखिए। देखिए यहाँ पे हम इसको स्लिप नॉट से ऐसे जॉइंट करेंगे, यहाँ पे 1 2 और 3 चेन लेंगे और फिर यहीं पे बनाएंगे, देखिए डबल क्रोशिया 1 2 3 4 और 1 चेन को लेके 5 हो गया। फिर यहाँ पे डाल के यहाँ पे स्लिप नॉट लगाएंगे इस तरीके से, फिर यहाँ भी 3 चेन बनाएंगे और फिर यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए 2 हो गया, 3 चेन को लेकर के 3 4 और ये 5, ये 5 टाइम्स ये भी हो गया। इसको भी यहाँ पे लाके हम यहाँ पे स्लिप नॉट से जॉइंट करेंगे इस तरीके से, यहाँ भी 3 चेन लेते हैं और यहाँ फिर बना लेते हैं। तो देखिए 1 चेन को लेके हो गया 2 2 3 4 और ये 5, देखिए 5 हो गया। अब यहाँ पे देखिए इस कॉर्नर पे यहाँ हम जॉइंट करेंगे इसको, इस जगह पे, यहाँ देखिए इस जगह जॉइंट करेंगे। तो यहाँ पे लाके ऐसे स्लिप नॉट से ऐसे यहाँ पे इसको हम जॉइंट कर देंगे, ये देखिए इस तरीके जॉइंट करेंगे। और फिर इसमें भी डाल के इसको भी इसमें से ऐसे निकाल के इस तरीके से जॉइंट कर लेंगे, देखिए इसको ऐसे लेंगे और ऐसे जॉइंट करेंगे कि मालूम न चले। तो यहाँ पे लाके इस थ्रेड को खींच लेंगे इस तरीके से और इसमें डाल के ऐसे स्लिप नॉट लगा देंगे, ये देखिए धागे को कट कर देंगे, देखिए ऐसे, देखिए हमारा ये आउटलाइनिंग कंप्लीट हो गया फ्लावर वाला। ये देखिए कितना प्यारा बन के इसका लुक आया है, ये देखिए लग रहा है जैसे साइड साइड में मोतियाँ लगी हुई हैं, ये देखिए इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, इसमें हम मोतियाँ टक करेंगे बीच बीच में, वाइट मोतियाँ लगाएंगे तो कॉम्बिनेशन इसका अच्छा हो जाएगा, वाइट आउटलाइनिंग और वाइट मोतियाँ। तो देखिएगा मोती कैसे लगाएंगे, ऐसे रखेंगे इसे यहाँ पे हम और इसमें मोतियाँ लगाएंगे। तो ये देखिए वाइट कलर की मोतियाँ हैं हमारे पास, ये देखिए इन मोतियों को हम फ्लावर्स के बीच में ऐसे सुई की मदद से, निडल की मदद से टक करेंगे ऐसे। तो इसका लुक देखिए कितना ब्यूटीफुल बन के आ रहा है, ऐसे बीच बीच में फ्लावर्स में एक एक मोती को टक करेंगे ऐसे ऐसे, देखिए तब हमारा टोरन पट्टी ये बन के कम्प्लीट हो जाएगा। फिर आपके साथ इस डिज़ाइन को भी हम शेयर करेंगे और फिर बताएंगे कि डिज़ाइन कैसे बनेगी। तो ये पूरी टोरन पट्टी बन करके कम्प्लीट हो जाएगी। तो चलिए इसको टक करना बताते हैं। ये देखिए हमने निडल में थ्रेड डाल लिया है, कलर भी हमने वही लिया है जो यहाँ पे कलर लगा हुआ है। आप देखिएगा इसमें ऐसे डालेंगे इस जगह बीचों बीच में और इसमें डाल के ऐसे टक करेंगे और फिर नेक्स्ट यहीं पे निकालेंगे इसको, धागे को कहीं से कट नहीं करेंगे, ये देखिए इस तरीके से,
देखिए ध्यान से, ऐसे ये देखिए कितना प्यारा बन के लुक आ रहा है इसका, देखिए ये देखिए इस तरीके से। फिर यहाँ से मोती लेंगे और इसमें डालेंगे इस तरीके से, और इसमें ऐसे डाल के यहाँ से देखिए यहाँ यहाँ पे निकालेंगे इस थ्रेड को, यहाँ पे इसके बीचों बीच में ये देखिए इसको ऐसे खींच लेंगे। इस तरीके से मोतियाँ हम सारा टक कर देंगे। देखिए इसका लुक कितना प्यारा लग रहा है मोतियाँ लगने के बाद। तो सारे फ्लावर्स में ऐसे ही हम मोतियाँ लगाएंगे, धागे भी उसी कलर के लगाएंगे जिस कलर से हम मोतियाँ लगा रहे हैं, जिससे कि हमारा धागा दिखे नहीं कि कैसे हमने मोतियों को टक किया है। देखिए यहाँ से देखिए देखिए यहाँ से हम धागे को इधर से कट कर देंगे पीछे साइड से, क्योंकि अब हम येलो कलर का थ्रेड लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से बनाना है, ऐसे इस साइड में हम ला के इसको यहाँ पे कट कर देंगे। अब इस तरीके से हम पूरी आपको कंप्लीट करके फिर दिखाते हैं कि इसका लुक कैसा लगता है मोतियाँ लगने के बाद। इस तरीके से कितना प्यारा टोरन पट्टी कंप्लीट है ये देखिए इस तरीके से। तो हम पूरे अब मोतियाँ टक कर लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमारी टोरन पट्टी बन करके कंप्लीट हो गई है। देखिए हमने सारे में देखिए मोतियाँ टक कर दिए हैं। ये देखिए कितना प्यारा लुक है इसका, मोती वाला ये टोरन पट्टी हो गया हमारा एक डिज़ाइन, न्यू डिज़ाइन है ये। देखिए मोतियाँ लगा के फ्लावर्स बनाए हमने, कितना प्यारा लग रहा है इसमें। अब इसमें हम कोई भी डिज़ाइन जब बनाएंगे तो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे कि कौन सा इसमें हम डिज़ाइन बनाने वाले हैं। और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ नया लेकर। थैंक यू।